माशाल्लाह माशाल्लाह सारे बच्चे जो है वो बिल्कुल निकलने ही वाले हैं। इसने भी जो है वो दोस्तों दो बच्चे निकाले हैं और चार अंडे दिए हुए हैं, इंशाल्लाह उसमें से भी बहुत जल्द बच्चे निकल जाएंगे। दोस्तों इसके अंदर जो है वो तीन बच्चे हैं, तीनों व्हाइट कलर में बहुत खूबसूरत है। भाई क्या हाल है भाई, सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। तो यार आज की वीडियो में मैंने आपको अपनी बजरी की प्रोग्रेस दिखानी है। अभी मैं अंदर जाके ना आपको प्रोग्रेस दिखाता हूँ और फिर प्रोग्रेस दिखाने के बाद ही ना बाहर आके एक छोटी सी मैंने आपको बात बतानी है जो कि कॉलोनी के हवाले से ही है। तो चलें दोस्तों सबसे पहले जो है मैं अंदर जाता हूँ और आपको जो है वो प्रोग्रेस दिखाना शुरू करता हूँ। अच्छा भाई एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, मैं अंदर जा रहा था ना तो उसके लिए जो है मैंने एक ग्लव्स ले लिए क्योंकि मछलियाँ जब चेक करूँगा ना तो उसके अंदर हो सकता है कोई बच्चा मरा हुआ हो। इसके अलावा एक रात ये मैंने स्क्रैपर लिया और एक रात ये मैंने कटर क्लास लिया है। तो ये दो तीन चीज़ें मैं जब भी अंदर जाता हूँ तो लेके जाता हूँ। और चले आज मैं अंदर जाता हूँ और अंदर जाके आपको प्रोग्रेस दिखाता हूँ कैसी चल रही है। दोस्तों मैं कॉलोनी के अंदर आ गया हूँ और चलें अब जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली वाली मछली के अंदर जो येलो वाली मादी है और इसने जो है वो माशाल्लाह से तीन अंडे दिए हैं। अब इसके बराबर वाली में आ जाए तो इसने भी जो है वो दोस्तों दो बच्चे निकाले हैं। अब इसके अगर आप ऊपर आ जाएँ तो माशाल्लाह इसके भी जो है वो दोस्तों तीन या चार बच्चे निकले हुए और एक ऐसा अंडा भी दिया हुआ है और मुझे उम्मीद है उसमें से भी बच्चा निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों अब इसके बराबर वाली में आ जाए तो माशाल्लाह दोस्तों इसके अंदर जो है वो तीन बच्चे और माशाल्लाह काफ़ी जो है वो बड़े भी हो गए। अब इसके जो है वो दोस्तों नीचे वाली में आ जाए तो माशाल्लाह माशाल्लाह सारे बच्चे जो है वो बिल्कुल निकलने ही वाले हैं। ये देख सकते हैं माशाल्लाह पाँच बच्चे हैं इसके अंदर। अब इसके बराबर वाली में आ जाए तो माशाल्लाह दोस्तों इसके अंदर जो है वो तीन या चार बच्चे मुझे नज़र आ रहे हैं। इसके जो है वो ऊपर वाली में आ जाए तो दोस्तों माशाल्लाह इसने जो है वो अंडे दिए हुए, मादी बैठी हुई अंदर। अब दोस्तों इसके नीचे वाली में आ जाए तो माशाल्लाह एक बच्चा निकल गया और चार अंडे दिए हुए, इंशाल्लाह उसमें से भी बहुत जल्द बच्चा निकल जाएगा। ठीक है अब ये कोने वाली में देख लेते हैं भाई इसकी क्या रिजल्ट है। माशाल्लाह दोस्तों इसका भी एक बच्चा निकल गया है और चार अंडे जो है वो इसके अंदर भी मौजूद है। अब जो है वो नीचे जो दीवारों पर लगी हुई वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह दोस्तों इसके अंदर जो है वो तीन बच्चे, तीनों व्हाइट कलर में बहुत खूबसूरत है। अब जो है वो आप इधर आ जाएँ तो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं दो अंडे दिए हुए हैं। अब इधर आ जाएँ तो माशाल्लाह इसका क्या रिजल्ट है भाई, थोड़ा सी जगह दे दो। अच्छा बाहर ही आ गए तो इसने भी माशाल्लाह दोस्तों दो अंडे दिए हुए। अब आप अगर इधर आ जाएँ तो माशाल्लाह दोस्तों इसके कितने, एक दो तीन, मेरे ख्याल से दोस्तों इसने जो है वो चार बच्चे निकाले हैं। अब इसके बराबर वाली में आ जाए तो दोस्तों इसने जो है वो अंडे दिए हुए हैं, नहीं मेरे ख्याल से बच्चे भी निकल गए। अगर ये थोड़ी सी मुझे जगह दे दे, हटो भाई हटो। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह तीन या नहीं बल्कि चार बच्चे इसके निकल गए और बाकी जो है ना वो अंडे वगैरह, उम्मीद है इसमें से भी इंशाल्लाह अब बच्चे निकल जाएंगे। ठीक है ये वाली में आ जाए तो इसके अंदर माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हैं दो बच्चे निकल गए और बाकी जो है वो अंडे पड़े हैं। तो इस वाली में आ जाए तो माशाल्लाह से है दोस्तों इसके अंदर चार बच्चे, चार नहीं पांच बच्चे हैं दोस्तों इसके अंदर, आप देख सकते हैं पाँच जो कोने कोने पे लगे हैं। ठीक है दोस्तों तो ये मैंने आपको बिल्डिंग प्रोग्रेस दिखा दी है। अच्छा अब जो मैंने बात करनी थी, बात ये करनी थी कि जैसे कि आप लोग को लग भी रहा हो कि मैं जो पहले बिल्डिंग प्रोग्रेस की वीडियो बनाते थे ना उसके अंदर आपको काफ़ी सारे बजरी नज़र आते थे, काफ़ी सारे जो है वो मटकियाँ नज़र आती थी, लेकिन अब जो है ना मटकियों की तादाद थोड़ी सी कम हो गई है। तो मैंने थोड़े थोड़े करके ना काफ़ी सारे पेयर कम कर दिए। वो कम क्यों किए कि वो मैंने काफ़ी टाइम से नोट कर रहा था कि वो पेयर जो है ना अंडे तो दे रहे थे लेकिन उसमें से बच्चे नहीं निकल थे, और बच्चे निकलते थे ना तो वो मर जाते थे, मादियाँ सही से खिला नहीं पाती थी और कुछ लड़ाई वगैरह भी हो रही थी। तो इसलिए मैंने जो है पेयर की तादाद थोड़ी सी कम कर दी है और मैंने इतनी मटकियाँ लगाई हैं जितने मेरे पास पेयर है। टोटल जो भी मेरे पास पेयर है दोस्तों वो तकरीबन 17 ही करीब मैंने पेयर इसके अंदर छोड़े हुए जो कि सारे के सारे माशाल्लाह से ब्रीड कर रहे हैं, वो सारे मैंने अभी आपको दिखा दिए। तो सही है दोस्तों यही आज की वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ कि भाई आपको ये प्रोग्रेस की वीडियो पसंद आई होगी और पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर आप लोग से जो एक दो दिन बाद मुलाकात करता हूँ किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।